हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 2019 के प्रमुख नियुक्तियां और अपॉइंटमेंट जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? इनका नाम है के एस धतवालिया। इनका नाम है, जिन्हें पीआईबी का क्या बनाया गया, महानिदेशक बनाया गया है, के एस धतवालिया को। अगला क्वेश्चन है, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो एनएसजी के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक बनाए गए हैं अनुप कुमार को एनएसजी के नए महानिदेशक के तौर पर बनाया गया है। हाल ही में यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन, क्या है यूआईडीएआई का, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? सीईओ क्या होता है फ्रेंड्स? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यूआईडीएआई के नए सीईओ बने हैं पंकज कुमार। क्या नाम है? पंकज कुमार। ये क्या बने हैं? यूआईडीएआई के नए सीईओ बने हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स यूआईडीएआई का, तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। कब हुई थी? 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी, 2009 को स्थापना हुई थी। अगर बात करें हेडक्वार्टर का फ्रेंड्स, तो हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर इसका कहां है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का सचिव नियुक्त किया गया है जय शाह को। ये कौन है? अमित शाह का पुत्र है जैसा। जैसा को क्या बनाया गया है? बीसीसीआई का सचिव नियुक्त किया गया है जैसा को। अगला क्वेश्चन है, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स 46वें मुख्य न्यायाधीश जो है ये रंजन गोगोई है। अभी बात करेंगे 47वें मुख्य न्यायाधीश का, तो ये कौन बनेंगे? शरद अरविंद बोबड़े बनेंगे। ठीक है, क्या नाम है? भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? शरद अरविंद बोबड़े। हाल ही में भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष बनाए गए हैं आर के एस भदौरिया। कौन बना है? आर के एस भदौरिया क्या बने हैं? वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स नौसेना अध्यक्ष, तो करमवीर सिंह है। और अगर बात करें थल सेना अध्यक्ष, तो बिपिन रावत है। अगला क्वेश्चन है, किसे 10 महीने के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्या है? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है 10 महीने के लिए? सौरभ गांगुली। फ्रेंड 10 महीने के लिए क्यों ही नियुक्त किया गया, उससे ज्यादा क्यों नहीं? तो फ्रेंड बीसीसीआई का अध्यक्ष या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष कोई भी व्यक्ति कितने वर्ष तक बन सकता है? 6 वर्षों तक बन सकता है। लेकिन सौरभ गांगुली जो है 5 साल 2 महीना कोलकाता क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए इनकी 10 महीने की कार्यकाल बाकी थी, इसलिए 10 महीने के लिए इन्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया। अब बात करते हैं पीएनबी, पीएनबी के नए एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो पीएनबी होता है पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है किसे? मल्लिकार्जुन राव। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में महिला आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। वर्तमान में बात करें तो महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है रेखा शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे किसे नियुक्त किया गया? एन एस विश्वनाथन को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स आरबीआई का बात करें, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर बात करें प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो यह है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं फ्रेंड्स? एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं एनके सिंह। फ्रेंड्स 12वां नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है बताइए? अजीत डोभाल जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अजीत डोभाल वर्तमान में भारत के एनएसजी हैं।
शेयर नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग के प्रमुख चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? सामंत कुमार गोयल को। सामंत कुमार गोयल को। सामंत कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो यूपीएससी के चेयरमैन वर्तमान में कौन है फ्रेंड्स? अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना। सक्सेना क्या है? वर्तमान में यूपीएससी के क्या है? चेयरमैन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एसबीआई बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एसबीआई बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 16 नंबर, हाल ही में पेटीएम के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पेटीएम के नए अध्यक्ष बनाया गया मधुर देवड़ा को। मधुर देवड़ा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें 33 जो है अन्य न्यायाधीशों और एक है जो मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की नई प्रमुख कौन बनी है? तो IMF की नई प्रमुख बनी है जिनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। जॉर्जिवा। ठीक है, अब बात करें IMF का, तो IMF का स्थापना जो हुआ था 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और हेडक्वार्टर कहां है? Washington DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो भारत वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं, क्या नाम है इनका? राजीव कुमार। राजीव कुमार। वर्तमान में क्या है? भारत के वित्त सचिव हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विदेश मंत्री अभी कौन है? एस जयशंकर है। अगर बात करें वित्त सचिव का, तो अभी कौन है वित्त सचिव? विजय केशव गोखले। विजय केशव गोखले। नेक्स्ट है, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं अरविंद सिंह। कौन बने हैं? अरविंद सिंह इसके क्या बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं। अब बात करें AAI का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो दोस्तों, ये था आपका कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके नियुक्तियों से संबंधित 2019 के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।